दोस्तों, मैं SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों, आज SMTC इंस्टीट्यूट में कुछ सॉफ्टवेयर का क्लासेस हो रहा है, तो हम अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि आज सॉफ्टवेयर का क्लासेस में क्या क्या ये किए, क्या क्या करके देखें, उन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो आप बताएंगे जी, आप सॉफ्टवेयर में अभी क्या क्या किए? Realme C15 है ये। हाँ, इसको बाईपास किए हैं हम लोग। ठीक है, और अभी जस्ट बाईपास करके सेट ऑन हो रहा है। कौन सा बाईपास किया, मॉडल नंबर क्या है? रियलमी C25 है, AC15 है ये जी। और इसको भी तुरंत हमने पैटर्न अनलॉक किए हैं। और कोई फोन का? रियलमी 5 का हमने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया था। वो रियलमी है? नहीं, रेडमी है। वो रेडमी, हाँ, 5 का हमने फ्लैश फाइल डाउनलोड किया था। अभी तुरंत फ्लैश फाइल में हमने किया। हाँ, सेट बिल्कुल लोगों पर लटका हुआ है, लोगों से आ गया है ना, लोग मतलब खुल गया। इसको हम लोग आगे करेंगे, स्किप करके आगे लेके जाएंगे, है ना। मतलब MI 5P में आप फ्लैशिंग किए हैं, है ना। अच्छा, आप बताएंगे जैसे कि लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर को सेटअप करना होता है, ठीक है, आप हमारे स्टूडेंट हैं, जो आपको आता है क्या क्या जरूरी है लैपटॉप में सॉफ्टवेयर करने के लिए, कौन कौन सा टूल जरूरी है, जो भी आपको आता है, जो आप किए हैं उसको बताएंगे। UMD चाहिए सबसे जरूरी चीज़ है। जैसे कि आज के समय में कोई बच्चा सॉफ्टवेयर का काम करना चाहता है तो दोस्तों बहुत प्राइस का टूल्स आता है, लेकिन यदि आप एक शुरुआती करना चाहते हैं तो उसके लिए UMT बेस्ट है ना। शुरुआत करने के लिए 3-4 हज़ार का UMT आता है, वो आप ले करके उससे आप सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं। सारा सॉफ्टवेयर का काम नहीं होगा, लेकिन 60% सॉफ्टवेयर का काम हो जाएगा, है ना। तो UMT डोंगल के द्वारा आज आप अनलॉकिंग किए, प्लसिंग किए, है ना। चलिए, तो सॉफ्टवेयर करने के लिए कौन कौन सा USB ड्राइवर का जरूरत पड़ता है? जैसे कि आप जैसे कि आप 5PA का फोन में फ्लैशिंग किए, तो उस फोन को फ्लैशिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ हमें चाहिए? जो नए लोग हैं जो सॉफ्टवेयर का काम सीखना चाहते हैं उसको कुछ आइडिया आ जाएगा, आप कुछ आइडिया देंगे अपना। करने के लिए आपको सबसे पहले तो उसका फ्लैशिंग फाइल डाउनलोड करना होगा, या आपके पास डाउनलोड है तो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, मतलब सबसे पहले उसका फ्लैशिंग फाइल हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसको फ्लैशिंग करेंगे उसके CPU कंपैरिजनमेंट में जो आपके पास ड्राइवर हो। ओके जी। CPU कौन सा कंपनी ब्रांड का CPU है? बहुत सारा का ब्रांड आता है। हाँ, टेक आता है, MediaTek आता है, सैमसंग आता है, Asus आता है, Venator आता है। हाँ, तो जिस तरह से आप करना चाहेंगे उस तरह से करें, जो भी आपका मोबाइल में CPU लगा है उस तरह का ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, है ना। तो आप ड्राइवर को इंस्टॉल करने के लिए सीख चुके हैं जी, बिल्कुल। फ्लैशिंग फाइल को आप डाउनलोड करने के लिए सीख चुके हैं जी? नहीं सर, फ्लैशिंग फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप अभी नहीं सीखे हैं, फ्लैशिंग करने के लिए आप सीख चुके हैं। मतलब UMT डोंगल, यदि आपका लैपटॉप में कोई फ्लैशिंग फाइल है तो आप वो फ्लैशिंग कर सकते हैं। फ्लैशिंग फाइल डाउनलोड कैसे करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम है, है ना। चलिए दोस्तों, अभी ये सीखे हैं कि कोई भी फ़ोन में फ्लैशिंग कैसे करते हैं, फ्लैशिंग फाइल को डाउनलोड करने में अभी प्रॉब्लम है, तो इसका क्लासेस अगले क्लासेस होगा, है ना, कि फ्लैशिंग फाइल को कैसे डाउनलोड करते हैं। जब तक आप 5-10 का फ्लैशिंग फाइल नहीं डाउनलोड करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हम डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि एक और दो को फ्लैशिंग फाइल होता है, यहाँ वहाँ जाने से मिल जाता है, कुछ फ्लैशिंग फाइल तुरंत गूगल में नहीं मिलता है ना। तो वो चीज़ों को अभी आपको क्लियर फ्लैशिंग फाइल नहीं सीखे, तो वो क्लासेस आपका अगले नेक्स्ट क्लास होगा। और दोस्तों, फ्लैशिंग फाइल ये सीखेंगे उसका फीडबैक लेंगे कि फ्लैशिंग फाइल कैसे सीखे, नहीं सीखे, कितना परसेंट इनको आ रहा है कि कोई फ़ोन आए तो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। चलिए, आपने हमें सॉफ्टवेयर क्लास का एक छोटा सा फीडबैक दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।